मैहर नगर पालिका सार्वजनिक शौचालय में गंदगी का आलम, आसपास के लोग हो रहे दुर्गंध से परेशान। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मैहर नगर पालिका के द्वारा कटरा बाजार स्थित गल्ला मंडी में सर्व सुविधा युक्त शौचालय का निर्माण कराया गया था, लेकिन रख रखाव न होने के कारण इसमें इतनी गंदगी है कि वहां पर लोगों का जीना दुश्वार है। गल्ला मंडी में विभिन्न प्रकार के लोगों का आना जाना निरंतर बना रहता है। गंदगी का पर्याय बन चुका सुलभ शौचालय अब साफ सफाई की बाट जोह रहा है। इस ओर मैहर नगर पालिका अध्यक्ष पति संतोष सोनी द्वारा निरीक्षण किया गया, बाकी गल्ला मंडी शौचालय पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं कराई गई। इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे सर्व सुविधा युक्त शौचालय साफ सफाई के अभाव में गंदगी युक्त हो चुका है। यहाँ के रहवासी एवं व्यापारी गण इस गंदगी से काफ़ी परेशान हैं। इस गंदगी के कारण इनका यही कहना है कि मैहर नगर पालिका अध्यक्ष गीता संतोष सोनी यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराएं और साफ सफाई कराएं। साथ ही लोगों द्वारा यह बताया गया कि यह शौचालय मैहर नगर पालिका उपाध्यक्ष शीतल नितिन ताम्रकार के वार्ड में स्थित है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये गल्ला मंडी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है तो ये सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया गया। जी हाँ। और आज ये गंदगी पूर्वक है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? इसमें ये है, जो ये बना है बहुत अच्छी जगह नहीं बना हुआ है ये, क्योंकि गल्ला मंडी यहाँ गल्ला लगता है जी। और यहाँ पे जो है इतनी बदबू रहती है, यहाँ पे हर आदमी आता है, क्या वो नेता हो, क्या वो मंत्री हो, क्या वो TI हो, क्या डॉक्टर हो, सब आते हैं यहाँ गल्ला लेने। और यही गंदगी में आते हैं और यहाँ गंदगी की खुशबू बेहतरीन लेते हैं और मुंह बंद करके जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ गंदा आता। वो लोग जब कह के जाते हैं तो हम लोगों को क्या हाल होता होगा यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ सफाई नहीं होती, देख रेख नहीं होती। अच्छा, ये मैहर नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पे साफ सफाई और मैहर के यहाँ के जो CMO है, तो क्या इसका निरीक्षण करते हैं? कोई नहीं आता, कोई निरीक्षण नहीं करता है जी। जी, इसी प्रकार भर्रेशाही मची रहती है, भर्रेशाही मची रहती है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। बोलते अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं तो हम लोग बुरे बनते हैं। कल मैंने जो है चेयरमैन को पकड़ के लेकर आया है यहाँ पे। जी जी जी। कल बुला कर लेकर आया चेयरमैन जो है, तो उनको गीता सोनी आई थी कि संतोष सोनी? संतोष सोनी आया था जी। जब संतोष सोनी आया, मैं उसको बुला कर दिखाया और दिखाने के बाद जो उसको बताया तो उसने कैमरे में फोटो उतारा, उसने कहा भेज दो वहाँ पे। अब ये कहाँ पे भेजना उनको, वो जहाँ पे भेजो ये नहीं मालूम मेरे को। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल सईद है जी। चेयरमैन तो कभी मौजा नहीं करने आए। अच्छा, यहाँ पे जो सुलभ शौचालय बना है, तो मतलब ये गंदगी पूर्वक है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। नरेंद्र मोदी जो है तो कहते हैं स्वच्छ मिशन जो है तो भारत जो है तो अपना रहे, तो वो रहे ना, स्वच्छ रहे ना। और आज ये हालात जो है तो इस बारे में आप क्या बोलना? नरेंद्र मोदी थोड़ा देखने आएगा, यहाँ का वार्ड का पार्षद की जिम्मेदारी है, चेयरमैन की जिम्मेदारी है। मोदी थोड़ी कहता है कि तुम घर का टट्टी जो है बाहर फेंक दो। अच्छा, यहाँ के जो नगर पालिका के CMO है और नगर पालिका अध्यक्षा जो है तो गीता सोनी है। हाँ। तो ये संज्ञान नहीं लेती है? कुछ नहीं लेती, कभी गीता सोनी का कोई चेहरा नहीं देखा। जी जी। संतोष सोनी उनके आते होंगे मोइना करने? क्या नाम है? नहीं आता, नहीं है, कोई नहीं आता है। नाम से क्या लेना देना, आम जनता है, आम नागरिक है। आप देखो, आप करते क्या है बीजेपी की सरकार है?